होता है जैसे 0 2 2, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 1 3 2 4, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 2, कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 5 2 6, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 3। ये ग्रुप बन गया। 0 से 2 साल के बीच में कितने बच्चे हैं, 1, इसको ग्रुप बोलते हैं। अगर कोई बोलता है सर इसको अनग्रुप्ड डाटा लिखना है, मैंने लिख दिया 1 2 3, मीनिंग इज क्लियर। ग्रुप्ड मींस आपसे किसी ने पूछ लिया, मान लो आप पेपर दे रहे हैं, आपसे पूछा बेटा मैं आपको एक ग्राफ बना के दे रहा हूं, इसके अंदर मैंने एज के वेरियर लिख दिए हैं कि 10 साल से 40 साल के बीच में कितने बच्चे हैं, आपने बोल दिया 4, दैट मींस ग्रुप्ड डाटा। मैंने बोला बेटा मैंने आपको एक ग्राफ बनाया, उसमें आपने बच्चे लिखने हैं कितने हैं, वो क्या हो गया अनग्रुप्ड, जिसमें आपको कंडीशन नहीं दी गई है। मीनिंग इज क्लियर। फर्स्ट फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज मीन, लिखो बेटा ये सबसे जरूरी चीज है। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन। पहले मेरे को सुन लो फिर आप पूछ रहे हैं जो भी डाउट हो। ये बेटा फर्स्ट फॉर्मूला, समेशन एक्स ओवर एन, ये किसका फॉर्मूला होता है, अनग्रुप्ड डाटा का। किसका फॉर्मूला है बेटे, अनग्रुप्ड डाटा, गॉट इट। सेकंड बेटे, आप ग्रुप्ड डाटा का आपके पास फॉर्मूला आता है तो आप उसका फॉर्मूला लिखोगे, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उनके बेस पे एक क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। अनग्रुप्ड का क्लियर हो गया बेटा ये है। अब आपसे कोई पूछता है सर क्वेश्चन कैसे करने हैं, वेरी इजी, आपके पास 3 नंबर है, इसका नाम एक्स है, समेशन एक्स, समेशन का मतलब पंजाबी चुंदा जोड़ना, जोड़ ही बोलते ना, ये मैंने सर को ट्रांसलेटर साथ में लाता हूं, मैंने ना पंजाबी नहीं पढ़ी हुई है ज्यादा, जोड़ना ही बोलते हैं ना पंजाबी में समेशन को, ठीक है। समेशन मींस जोड़ना, मींस इन सब को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, ये कितने नंबर है बेटा, और कितने से डिवाइड कर देना इसको, 3, तो टोटल कितना बन गया बेटे, 6/3, व्हाट इज योर आंसर, ये आपका मीन आ गया अनग्रुप्ड डाटा का। बोलो समझ आ गया सभी बच्चों को अच्छी तरह, नोट कर लो इसको, किसी ने नोट करना है तो, अनग्रुप्ड डाटा। आप ना घर जाके ना ऐसे में आपको फॉर एग्जांपल बताया था ना उस दिन, क्वेश्चन लिख लो 2-3 घर जाके कर लेना, ऐसे लिख दिया जी 1 2 3 4 5 6, फाइंड द मीन, कैन यू फाइंड, बाकी आपकी बुक में काफी क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व। अब आइए अनग्रुप्ड डाटा, नो सॉरी ग्रुप्ड डाटा, कहां पे डिस्ट, एक क्वेश्चन अब ग्रुप्ड डाटा का हम लिखेंगे, आई एम राइटिंग हियर 0 to 4, इज इट क्लियर, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, आपको इसके बीच में फ्रीक्वेंसीज गिवन है, फ्रीक्वेंसीज ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में गिवन होंगी आपको। 0 to 4 आपके पास है 3, 4 to 8 है 5, 8 to 12 है 3, और इसके बीच में है 5, एनी क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम। ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन समेशन एफ एक्स, व्हाट इज एक्स, पहले आपको एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एक्स होता है बेटा मिडिल वैल्यू, पंजाबी मिडिल वैल्यू को, जो बीच में वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 0 और 4 इसकी मिडिल वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, 0 + 4 क्या होता है 4, और डिवाइडेड बाय 2 कितना बन गया, गॉट इट, 4 + 8 कितना हो गया 12, और डिवाइडेड बाय 2 6, उसके आगे 20 और उसके आगे 14। और पेपर में एक चीज बताऊं आपको, लगे भी गलती के चांसेस हो रहे हैं, इनके बीच में डिफरेंस इक्वल होता है हमेशा, 2, 6, 10, 14, 4-4 का डिफरेंस आ रहा है सब में। अब आपका फॉर्मूला क्या है बेटे मीन का, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। एक तो आपको समेशन एफ चाहिए, समेशन एफ मींस इनको ऐड करना है, कितना आ गया बेटे, समेशन एफ का काम हो गया, आ गया समेशन एफ कितना हो गया 16। अब आपको चाहिए एफ एक्स, यानी कि एफ और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो यहां लिखेंगे एफ एक्स, 3 2 6 5 6 30 30 and 14 5 70, या तुसी पंजाबी च मल्टीप्लाई कर लो, 14 5 70, 10 3 30, 6 5 30, 3 2 6, कोई लैंग्वेज ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना आपको, ठीक है बेटा। अब इनको ऐड कर दो,
कितना हो गया 100, 130, 136। क्लियर है बेटा यहां तक? अब आप इसका मीन निकालिए, 136 ओवर 16। अगर आपको लग रहा है कि हमें कटिंग करना आती है, फिर तो बेटा कटिंग कीजिए, नहीं तो यहीं पे आंसर छोड़ दो, क्योंकि एवर होता है ना, हम वीक है मैथ्स में, हमें कैलकुलेशन नहीं आती है, तो डोंट। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि सर इन्होंने आंसर दिया हो ऑप्शन के अंदर कुछ, फिर आप कटिंग कर दीजिए, 2 8 16, 2 8 16 आती है ना सबको करनी है, 2 4 8, इट बिकम्स 17/2, दैट इज योर आंसर। बोलो मीन के दोनों मेथड क्लियर हो गए सभी बच्चों को? घर जाके प्रैक्टिस कर लोगे ना इसकी? अब आइए मीडियन, देखो टाइम कम है। हाँ की केंद्र फॉर्मूला ए, पहले तो एफ ते एक्स नू मल्टीप्लाई करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद समेशन मीन्स इन सब का टोटल, पंजाबी च दस रहे हूँ, समेशन एफ एक्स मीन्स टोटल, टोटल मीन्स जोड़ना है। इधर मीनिंग पूछ रहे हो बेटा, इसका मीनिंग पूछ रहे हो इसका? इधर मतलब होता पंजाबी च जोड़, मैंने हिंदी में लिख दिया जोड़ना, ठीक है जी, पंजाबी हिंदी जो भी है वन ऑफ द सेम थिंग है बेटा, आपको समझ आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आइए मीडियन, नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन, मीन मीडियन एंड मॉड होता है, अब दूसरा मीडियन करेंगे, लिख लो बेटे। बेटा रिटर्न, नाउ आई एम कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द मीडियन। व्हाट इज मीडियन? एज यू नो, मैंने पहले बताया मीडियन का मीनिंग क्या होता है, सेंटर की वैल्यू, या पंजाबी में बोल दो बीच की वैल्यू, ठीक है। मीडियन के अंदर दो ऑप्शंस होती हैं, फिर से सुनना ध्यान से, एक ग्रुप्ड डाटा और दूसरा क्या होता है अनग्रुप्ड डाटा। पहले सुन लो इसको ध्यान से, गलती मत करना। अब लिखिए मीडियन, मीडियम सिंपल लैंग्वेज में लिखो सेंटर टर्म या मिडल टर्म, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, मिडल टर्म। गॉट इट? अब आपका पहला स्टेप क्या आएगा, अनग्रुप्ड डाटा। मैंने अभी आपको बताया अनग्रुप्ड क्या होता है। यस बेटा, व्हाट यू थिंक, व्हाट इज अनग्रुप्ड डाटा? जिसका कोई भी सीक्वेंस ना हो, जैसे कई लड़के क्लास में बैठे, उनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का, कोई बाहर देख रहा है, कोई मैम की तरफ देख रहा है, कोई मेरी तरफ देख रहा है, कोई इनकी तरफ देख रहा है, दैट इज अनग्रुप्ड। और जो सारे बच्चे जिनको लग रहा है हमने स्टडी करनी है, उनको पता मेरी रेंज है, आई टू आई कॉन्टेक्ट होगा बोर्ड के ऊपर, उसको बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। गॉट इट? डिफरेंस इज क्लियर? अब मैं अनग्रुप्ड डाटा के अंदर मीडियन निकालूंगा। व्हाट इज मीडियन? मैंने लिख दिया 1 7 3 2 5। आपसे पूछूंगा, अब ध्यान से सुनना इसको, मीडियन बेटा, व्हाट इज द मीडियन, प्लीज स्टैंड अप, व्हाट इज द मीडियन? बेटा इससे पूछा तो यही बोलेगी, इस क्वेश्चन का मीडियन क्या है? आप फिर गलती कर गए, मैंने क्या बोला, आप जब स्टेयर्स को चढ़ते हैं, स्टेयर मींस पंजाबी में पौड़ियां बोलते हैं ना, ठीक है, स्टेयर्स के जब आप स्टेयर चढ़ते हैं, वन स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो क्या करते हैं, फर्स्ट पौड़ी पे चढ़ते हैं, फिर सेकंड में, सीक्वेंस होता है ना उसमें, क्या ये सीक्वेंस में है? तो पहले इसका सीक्वेंस बनाएंगे, 1 2 3 5 and 7। नाउ व्हाट इज द मीडियन? दिस इज द मीडियन, दिस इज द मीडियन नाउ। यानी कि मीडियन का फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट एवरीथिंग इन द सीक्वेंस, बना लोगे सीक्वेंस में, सीक्वेंस मींस एक के बाद एक नंबर को लिखना है जिसने, बेटा समझ आ गया सबको, बैठ जाओ बेटे। किसी बच्चे के माइंड में क्वेश्चन हो कि सर मीडियन कैसे निकालना है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया अब तो। मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ध्यान से देखना यहां पे, ए एफ जी आई बी सी, व्हाट इज द मीडियन?
यस बेटे आप बताइए, ब्लू टी शर्ट प्लीज स्टैंड अप। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे मीडियन क्या है? प्लीज सिट डाउन। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीडियन? आपने सी बोल दिया पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सीक्वेंस। व्हाट इज द सीक्वेंस? ए बी सी। आपके पास मिडिल रन तो है ही नहीं यहां पे, तो फिर मीडियन पेपर में जीरो नंबर आ गए। अब आपने क्या करना है, सुनो ध्यान से, जब बेटा ऑड नंबर हो फिर तो सेंटर की टर्म लेते हैं, ऑड मींस एक तीन पांच। जब इवन हो तो सेंटर की दो टर्म्स को ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय टू करते हैं। लिख लो ये फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू, अब मीडियन किसके बराबर बनेगा? सी प्लस एफ डिवाइडेड बाई टू। बैठ जाओ बेटे, समझ आ गया अच्छी तरह? इसी के साथ एक क्वेश्चन करो जल्दी से, जिन्हों को समझ आ गया है, 1, 2, 7, 9, 8 and 3 बनाओ, इसका मीडियन निकालिए। आई वॉन्ट टू चेक योर नोटबुक्स। 1, 2, 7, 9, 8, 3 फाइंड द मीडियन। 1, 2, 7, 9, 8, 3 फाइंड द मीडियन। वेरी गुड, इसका सीक्वेंस बना लिया, 1, 2, 3, 7, 8, 9 इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इट बिकम्स 5। मीडियन इज क्लियर? वेरी गुड। अब आपका क्वेश्चन आ गया मीडियन के अंदर, नेक्स्ट है मॉड। लिखिए मॉड, एम ओ डी ई, मॉड है। अच्छा, लेटर साइज यू वांट टू इंक्रीज? आई विल इंक्रीज। ओके, लास्ट बेंच, इट इज क्लियर? देखो बेटा, स्पीड अप तो आपको होना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, कंप्लीट भी करना पड़ेगा। ओके, अब मैं मॉड पे आ रहा हूं इस साइड से। बेटा व्हाट डू थिंक, व्हाट इज मॉड? सुना होगा छोटी क्लासेस में, 8th, 9th, 10th में। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग मॉड क्या है? 8th, 9th, 10th किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? इसकी एलिजिबिलिटी क्या है मैम इन टेस्ट की, बच्चों की? 10th+2 है आपके अकॉर्डिंग? व्हाट इज मॉड? वेरी गुड, वेरी गुड, इट्स राइट आंसर। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज मॉड। बेटा ध्यान से सुनना है, मैं यहां पे कुछ बोलने जा रहा हूं। 2, 4, 4, 6, 4, 9 ये मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 2, 4, 4, 6, 4, 9 व्हाट इज मॉड? आप देखो सारे आंसर सही बोल रहे हैं। अगर पेपर में कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया, वो बोलेंगे डिफाइन द मोड, फिर क्या करोगे? चार ऑप्शन दे देंगे, अ नंबर इज कमिंग अगेन एंड अगेन, पंजाबी जिन्हों कहते नंबर बार बार आ रहा। एक लिखेंगे मैक्सिमम टाइम एक ही नंबर आ रहा है। थर्ड ऑप्शन आ गई आपकी, एक नंबर जो बार बार आ रहा है वो रिपीट नहीं हो रहा है। और लास्ट आ गई नन ऑफ दीज, कौन सा राइट ऑप्शन है? मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी, लिख लो इंग्लिश में लिखना है तो, मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम अकरिंग फ्रीक्वेंसी। इदा मतलब होंदा जेड़ा नंबर मैक्सिमम टाइम आ रहा, ज्यादा बार आ रहा, ठीक है? तो इसमें कौन सा नंबर बार बार आ रहा है? तो आपका मॉड क्या हो गया बेटा जी? आप मुझे बताइए, मीन मॉड, मीडियन मॉड क्लियर हो गया सबको? मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ सकता हूं? अब बेटा यहां से कौन आएगा? चलो आपको मैंने अभी मीन टीच किया है, आप एक क्वेश्चन नहीं समझाया। एक लड़की बार बार दूसरी लड़की को देख रही है, सुना ध्यान से, सिंपल लैंग्वेज में दे रहा है आंसर। एक लड़की दूसरी लड़की को बार बार देख रही है, लेकिन उसी लड़की को बार बार क्यों देख रही है? सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? That is mod means आप उस चीज को बार बार देख रहे हो, मैक्सिमम टाइम उसी को देख रहे हो। मान लो मेरा, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं उस बेटे को बार बार बोल रहा हूं, बेटा व्हाट्स योर नेम? वो कहेगा सर माय नेम इज अर्शप्रीत सिंह, एबीसीडी कोई भी नेम हो सकता है। मैं उसको फिर बोला, फिर मैं यहां से हटके उसके पास चला गया, व्हाट्स योर नेम? फिर बोलेगा सर मुझे क्यों पूछ रहे हो? बेटा मैंने इनको मॉड टीच करना है, इसलिए आपको पूछ रहा हूं। गॉट इट? तो यानी कि बार बार इसको पूछ रहा हूं मींस इस क्लास में मॉड क्या हो गया? अर्शप्रीत सिंह हो गया। आपको समझ आ गया? यानी कि मैं यहां पे लिखूं अब 1, 6, 6, 7, 8 व्हाट इज मॉड? वेरी गुड, मैंने लिख दिया 2, 4, 4, 7, 3, 4, 3, 3 व्हाट इज मॉड? 1 by 1 व्हाट इज द आंसर?
ये देखो 1 2 3 1 2 3 नो मोड, फिर जीरो नंबर आ गया पेपर में, नन ऑफ दीज। बेटा मैं आपको वो तैयारी करा रहा हूं जिससे आप कंपटीशन क्लियर कर सको, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं रट्टे लगवा दूं। क्लियर हो गया अब आपको? आप कितने खुश थे यार, फटाफट सर 4। आप बोलोगे सर मैं तो ठीक करके आया था, आपने टीच किया था कि मैक्सिमम नंबर आता है। बेटा 2 नंबर मैक्सिमम आ रहे हैं यहां पे, एक 4-4 आ रहा है, एक 3-3 आ रहा है। सो नन ऑफ दीज। सो मीन मीडियन मॉड इज क्लियर? व्हाट इज मीन आपके अकॉर्डिंग? सिंपल लैंग्वेज में, इन लेमैन लैंग्वेज मीन क्या होता है? एवरेज। एवरेज दो तरह से निकालते हैं, एक होता है ग्रुप्ड डाटा और दूसरा होता है बेटे अनग्रुप्ड डाटा। बेटा ग्रुप्ड डाटा क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? सिंपल, डरते क्यों है यार, गलत हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इज देयर, जस्ट स्किप द आंसर। ग्रुप्ड डाटा होता है जिसकी लिमिट दी हो। मैंने, आपने मेरे को चाय पे बुला दिया, मैं आपके घर जा रहा हूं, जा रहा हूं ना बेटे, इट्स अ ग्रुप्ड डाटा। आई एम, मैं अपने घर से जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं, इसके घर तक जा रहा हूं, मीन 0-4 इट्स अ ग्रुप्ड डाटा। इसने मेरे को चाय पे बुला लिया, इसने अपना घर ही नहीं बताया, देन इट इज अनग्रुप्ड डाटा। मैं कहां जाऊंगा फिर? आई डोंट नो। सो गॉट इट? माई बेटा नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आज क्लास वैसे आपकी थोड़ा टाइम कम है, नेक्स्ट टीचर आ रहे हैं। मीन मीडियन मॉडर्न तो आपको क्लियर हो गया। मान लो आपको पेपर में ऐसा ग्राफ आ गया, एक बना लो सारे बच्चे जल्दी से। वन टू थ्री फोर एंड फाइव, 1, 2, 3, 4 and 5। 1 के ऊपर 3 आ रहा है, 2 के ऊपर 3 आ रहा है, 3 के ऊपर भी 3 और 4 के ऊपर 3, 5 के ऊपर 2। दिस इज योर ग्राफ। फिर सुनो ध्यान से, 1 के ऊपर फर्स्ट नंबर 3 आ रहा है, ऐसे करते हैं ना छोटी क्लासेस में, 1, 3, उसके आगे 2, 3, और तीसरा पॉइंट क्या बन रहा है आपका? चाहे टिक लगा लिया करो ना पता लगे, 2, 3, और थर्ड 3, 3। तीनों पॉइंट्स अटैच हो गए बेटा यहां पे। आगे 4 के अंदर जो आ गया 2 आ गया, 4, 2, और 5 के अंदर भी 2 आ गया। आपसे पेपर में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मोड, व्हाट इज द मोड, कौन सी एक्सिस पे देखना है? ध्यान रखना है वाई एक्सिस के ऊपर देखना है, वाई एक्सिस पे मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है बेटा वाई एक्सिस पे? 1, 2, 3 टाइम। सो व्हाट इज द मोड, बोलो समझ आ गया अच्छी तरह? May I come on the next topic? Yes, sir. बेटा ये देखिए, आपको एक पेपर में क्वेश्चन आ गया, यहां लिखो एक्स, सॉरी इंटरवल्स, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, CI, जिसको वो लिखते हैं ना। मैंने लिख दिया 0, 2, 3, बड़े ध्यान से देखना अब मैं क्या करने जा रहा हूं, 3 to 7, 7 to 11 एंड 11 to 15 एंड लास्ट 15 to 18। उसके आगे फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपको 2, 3, 4, 5, 2, इट डजेंट मैटर, कुछ भी हो सकता है। ओके अब क्या ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जाता है फाइंड द मीन, कैन यू फाइंड द मीन? क्यों, बताया तो है मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ मीन। एक्स कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। क्या ये क्वेश्चन मैंने जो लिखा सही है? हाँ, दिस इज द क्वेश्चन ओनली। ये देखो बेटा, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 3 का। तो सबसे पहले इंटरवल को सही करना पड़ेगा पेपर में। तो क्या लिखोगे? CI, आधा नंबर माइनस कर देंगे और आधा इंक्रीज कर देंगे। तो 0 से नीचे जाएंगे तो कौन सा नंबर बनता है? हाफ इंक्रीज करना है, हाफ डिक्रीज करना है, -0.5। लेकिन हम माइनस नहीं लिखते हैं तो इसको क्या रहने देंगे? 0। और अपर नंबर क्या हो जाएगा? 3.5। नेक्स्ट क्या बनेगा? 3.5। और आगे नंबर समझ गए अब क्या करना है हम लोगों ने? अब तो सॉल्व कर सकते हो इसको, 0.5 इंक्रीज करना है, 0.5 डिक्रीज, बाकी फॉर्मूला सेम ही लगेगा आपका, उसको बोलते हैं मीन। गॉट इट?
फर्स्ट टाइम देसाई, कितने पे बोला था आज? 3:30 ओनली। नेक्स्ट टीचर आ रहे हैं अभी, हैं? पूछ, पता कर लो बेटा। इस पहली बात तो आपको इतना डिफिकल्ट आता नहीं, आपका लेवल का क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए। आ गया ना, जब आपके ना बेटा ये डिफरेंस सेम ना हो, जैसे 3 आ रहा है यहाँ पे, 4 आ रहा है यहाँ पे, भी 4 आ रहा है यहाँ पे, 4 और लास्ट में कितना आ रहा है, 3। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हाफ जो है माइनस कर देना और हाफ जो प्लस कर देना, सभी पूरे क्वेश्चन के अंदर ही। उसके बाद मान लो इसी क्वेश्चन को कंप्लीट करना, सर कंप्लीट कराओ आपने तो ऐसे छोड़ दिया। ये देखो मान लो आ गया 10.5 से 14.5 और उसके आगे 14.5 टू 17.5, वट एवर द क्वेश्चन इज देयर, दैट्स नॉट ए मैटर। उसके बाद क्या करोगे, वही सिस्टम। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके और डिवाइडेड बाई 2। गॉट इट एवरीवन? अब एक दो क्वेश्चन लिखो जो घर में प्रैक्टिस करने हैं आपने, प्लीज एज ए होमवर्क, प्लीज नोट डाउन। लिखिए बेटा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. These are marks. बस 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 लिख लिया। अब 20 to 25 आपको फ्रीक्वेंसी 7, 18, 25, 30, और ये आपके पेपर में आया हुआ पहले भी, पुलिस के क्वेश्चन वही लिखा रहा हूँ आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके 7, 18, 25, 30 and 20, दे आर सेइंग फाइंड द मीन। कैन यू फाइंड द मीन? वेरी इजी। एक क्वेश्चन नंबर और लिखिए घर में, कर लेना इसको ट्राई। क्वेश्चन नंबर 2, 2, 4, 7, 6, 13, 3, 9, 17, 24, 21, 4, 3, 4, 6, 9, 4, 21, कहते फाइंड द मॉड। दिख रहा है ना मॉड आपको, 4, 4 इज देयर, मैक्सिमम नंबर 4 आ रहा है, इसका आंसर फाइंड द मॉड। सो मॉड इज इक्वल टू 4। गॉट इट? चलो बेटा ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।